इस मुस्लिम लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि उसका आधा शरीर जमीन में गड़ा हुआ था। इसके अलावा उसके पिता ने सभी ग्रामीणों को पत्थर मारने का आदेश दिया। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और पत्थर मारने वालों में उसका पति और दो बेटे भी शामिल थे। उस पर तब तक पत्थर बरसाए गए जब तक कि वह मर ना गई हो। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि यह एक सच्ची घटना है। आखिर लड़की ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि उसके परिवार वालों ने भी उसे जान से मारना चाहा? दरअसल लड़की का नाम सोराया है और उसे बचपन से ही गांव के एक आदमी को बेच दिया गया। उसने वहां पर चार बच्चों को जन्म दिया, लेकिन अली नाम के इस आदमी के साथ लड़की कभी भी खुश नहीं रही। वो सोराया को रोज मारता था। दरअसल अली एक पुलिस वाला है जो हिंसक और कामुक दोनों है। उसकी नज़र सीधे मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति की बेटी पर पड़ी। अली ने उस व्यक्ति के साथ एक समझौता किया, जिसके बदले उसे सजा से बचने के लिए अपनी बेटी की शादी अली से करवानी थी। मुस्लिम समाज में एक से ज्यादा शादी करना लीगल है, लेकिन अली सोराया और अपनी दोनों लड़कियों को अपने साथ नहीं रखना चाहता था। इसलिए वो सोराया को तलाक देने के लिए गांव के मौलवी के पास गया। पर परेशानी की बात ये थी कि अली सोराया को पैसे नहीं देना चाहता था, क्योंकि सोराया के पास कमाई के लिए कोई साधन नहीं था, इसलिए उसे तलाक नहीं मिल सका। लेकिन मौलवी सोराया का फायदा उठाने के लिए उसे खुद से शादी करने का प्रस्ताव देता है, लेकिन सोराया ने उसे वहां से डांट कर भगा दिया। फिर जब अली को पता चला कि सोराया उसे तलाक नहीं देना चाहती, तो वो गुस्से में सीधा घर लौट आया और उसने सोराया को बुरी तरह से पीटा। सौभाग्य से सोराया की एक चाची है जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। उसने सोराया को अपनी दोनों बेटियों के साथ जहरा के घर बेच दिया। जहरा इस समाज की इकलौती स्वतंत्रता महिला है। जब दोनों बातें कर रही थी, तभी अंदर एक आदमी दौड़ कर आया। वह एक ऑटो मरम्मत मालिक है। उसकी पत्नी बीमार थी, इसलिए वह जहरा से उसकी जाँच करने को कहता है, लेकिन जब वो पहुँची तब उसकी पत्नी पहले ही मर चुकी थी। वो अपने पीछे एक पागल बेटे को छोड़ गई। अंतिम संस्कार के दौरान मौलवी ने सोराया को सुझाव दिया कि वो कुछ पैसे कमाने के लिए उस आदमी के घर काम कर ले। सोराया उसके लिए मान गई। सुबह वो अपनी दोनों बेटियों के साथ हसन के घर काम करने के लिए आ गई और फिर शाम को वापस जहरा के पास चली गई। इस समय सोराया अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुश थी, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। अली और मौलवी दोनों मिलकर हसन की दुकान पर गए। उसने हसन को मजबूर किया कि वो गांव वालों के सामने ये बोले कि सोराया ने जबरदस्ती उसके बेटे के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, अगर वो नहीं मानेगा तो वो उसके बेटे को जान से मार देंगे। फिर हसन इस बात के लिए तैयार हो गया, जिसके बाद अली सीधा सोराया के पास गया और उसे सभी गांव वालों के सामने पीटा। साथ ही उसने अपनी पत्नी को बेवफा करार दिया। जहरा ने सोरा को बेगुनाह बताया और उसे अली से दूर खींच लिया, जिसके बाद जहरा के घर पर अली, हसन और गांव का मुखिया आया, जिनके सामने हसन ने सोराया के ऊपर आरोप लगा दिए। सोराया उनके सामने गिड़गिड़ाने लगी कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन उन्होंने उसकी एक भी नहीं सुनी। जिसके बाद गांव में एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें ये तय करना था कि सोराया को किस प्रकार सजा दी जाए। इधर सोराया बस अपनी सजा का इंतजार कर रही थी, जिसके बाद गांव वालों ने फैसला लिया कि उसे गांव के सामने पुराने रीति रिवाज के तहत सजा दी जाए, जिसमें एक औरत को जमीन में आधा गाड़कर उसके ऊपर पत्थर बरसाए जाएंगे जब तक कि वह तड़प तड़प कर मर न जाए। यह मिडिल ईस्ट की महिलाओं को दी जाने वाली सबसे भयानक सजा थी। सोराया के पिता ने गाँव वालों के सामने चीख चीख कर कहा कि उसकी बेटी दोषी है, एक दोषी है। फिर एक गोली की आवाज आई और लोगों ने सारा काम संभाला। किसी ने गड्ढा खोदा और सोराया की रखवाली की जिम्मेदारी ली, और कोई पत्थर उठाने में व्यस्त था। आखिरकार अली की साजिश सफल हो गई, जिसके बाद जहरा ने सोराया को गांव से भागने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जैसे ही उसने गेट खोला तो वहां पर पहले से ही एक आदमी मौजूद था। फिर वो वापस से कमरे में आ गई। सोराया ने जहरा को बताया कि वो इस जिंदगी से तंग आ चुकी है, क्योंकि सभी मर्द हवासी हैं। वो बस औरतों का फायदा उठाना जानते हैं, लेकिन अब वो और मार सहन नहीं कर सकती है, इसलिए उसका मरना ही उचित होगा। जिसके बाद सोराया ने अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लिया, लेकिन उसके बेटे की ओर देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। अंत में सजा का समय आ गया, उसको वहाँ पर ले जाया गया। गांव के मौलवी ने कहा कि सोराया जैसी औरतें हमारे गांव के लिए कलंक हैं, इसलिए इस पर फेंका गया हर एक पत्थर गांव के गौरव की बात होगी। हर कोई पत्थर उठाकर बस अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, जिसके बाद जहरा ने सोराया की काली पोशाक उतार दी और फिर जहरा को दूर कर दिया गया। गाँव के मुखिया ने सोराया को आखिरी बार कुछ कहने के लिए कहा। सोराया ने अपना सफेद दुपट्टा नीचे गिरा दिया और फिर सभी से कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी पत्नी और किसी की माँ, लेकिन आप सब इतने क्रूर कैसे हो सकते हो। लेकिन बीच में उसे किसी ने रोक दिया और फिर ग्रामीणों ने उसके हाथ बांध दिए और उसे घसीटकर गड्ढे में ले गए। लेकिन कमरे में पड़ोसी बहुत तेज आवाज में रेडियो बजा रहा था। जहरा ने दोनों लड़कियों के कान को जोर से दबा दिया और कमरे के बाहर सजा शुरू हो गई। पत्थर फेंकने वालों में पहला इंसान उसका पिता था, दूसरा शख्स उसका पति और तीसरा उसके बेटे। चार पत्थरों में उसका चेहरा खून से भर गया, लेकिन फिर पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। वो जोर जोर से चीखने लगी। इसको देखकर महिलाओं ने उल्टियां कर दी, जिसके बाद सभी शांत हो गए, क्योंकि सोराया कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। जिसके बाद अली उसके नजदीक आया। उसे पता चला कि उसकी पत्नी अभी भी जीवित है, इसलिए उसने दोबारा से पत्थर बरसाने का आदेश दिया और एक बार फिर से उसके ऊपर पत्थर बरसाए गए। लोग इतने क्रूर थे कि उन्हें उसके दर्द का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। फिर उन्होंने उसके शव को ऐसे ही छोड़ दिया और वहाँ से अपने घर चले गए। फिर दूसरे दिन जब जहरा वहाँ पर पहुँची तो सोराया के शव को कुत्तों ने खा लिया था।
केवल कुछ हड्डियों ही बची थी, जिसे जहरा ने दफना दिया। फिर कुछ दिनों बाद एक रिपोर्टर वहां से गुजरा। जहरा ने उन्हें गांव की पूरी घटना बताई और बाद में सच्ची घटना पर एक मूवी बनाई गई। आज भी मिडिल ईस्ट के कुछ देशों ये सजाएं दी जाती हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा।